नमस्कार, स्वागत है आप सभी से वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वीडियो का इंटरेस्टिंग होने वाले। दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। दोस्तों बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता होती है दोस्तों, और दोस्तों बड़े व्यक्ति की मुस्कान उतनी स्वाभाविक नहीं होती है, और दोस्तों कभी कभी वह एकदम ही कृत्रिम होती है। दोस्तों दूसरा अंतर है कि बच्चे की मुस्कान पूर्णतः निश्चल होती है, यानी दोस्तों बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो उसमें कोई छल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों बड़े लोगों की मुस्कान में अवसर का ध्यान होता है। तीसरा है दोस्तों बच्चे की मुस्कान में उन्मुखता होती है, और बड़ा व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार बदी हुई मुस्कान हुई बिखेर पाता है। और दोस्तों चौथा जो अंतर है कि बच्चे के मुखड़े की कोमलता व सुंदरता के बीच उसकी मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, और दोस्तों बड़े व्यक्ति की मुस्कान में वह नैसर्गिक सुंदर नहीं होती। पांचवा अंतर है दोस्तों बच्चे की मुस्कान के बीच उसके नन्हे दूधिया दांत अत्यंत आकर्षक व मोहक बना देते हैं, और दोस्तों बड़ों की मुस्कान में वह आकर्षक नहीं होता। छठवां और आखिरी अंतर है बच्चे की मुस्कान और बूढ़े की मुस्कान में कि दोस्तों बच्चे की मुस्कान सभी को प्रभावित करने में सक्षम होती है, और दोस्तों बड़े लोगों की मुस्कान में ऐसी क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर समझ में आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।